उपखंड का अधिकारी निवास के पीछे कचरे का लगा रहता है अंबार। पत्थर रोड पर रोजाना फूटता है नाली का पानी। उपखंड अधिकारी निवास के पीछे कचरे का लगा रहता है अंबार। वहीं होती है समय समय पर पॉलिथीन व आसपास के दुकानदारों द्वारा कचरा सड़कों के पास ही डाल देते हैं। कचरा गाड़ी अथवा नगरपालिका के कर्मचारी यदा कदा ही कचरा संग्रहण करते हैं, जिससे कचरे का जमावड़ा व राह चलते लोगों को कचरे की गंदगी की बदबू से मजबूरन सहन करना पड़ता है और चलना पड़ता है। इसी रोड पर महावीर भवन क्रॉस नाली की सफाई नहीं होती, जिसके कारण नाली का फूटता है पानी। नाली का पानी सड़क पर बिखर कर राह चलते लोगों को चलना भी मुश्किल हो जाता है। जनता भले ही परेशान हो, नगरपालिका के कर्मचारी व अधिकारी नहीं देते ध्यान। इसकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ऑनलाइन रुपए मांग धोखाधड़ी करने वाला साथी गिरफ्तार। आम जन में सोशल मीडिया के जरिए पुलिस की कार्यशैली को बढ़ावा देने, पुलिस जनता का आपसी संवाद करने व जनता द्वारा तत्काल पुलिस को सुझाव सूचना शिकायत आदि को बढ़ावा देने के लिए जिला पुलिस अध्यक्ष जोधपुर ग्रामीण के नाम से ट्विटर फेसबुक व व्हाट्सएप अकाउंट खोले हैं। इसी के द्वारा जिला पुलिस द्वारा आम जन की सुविधा हेतु कई प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। सोशल मीडिया के क्रम में पुलिस अध्यक्ष जोधपुर ग्रामीण के नाम बनी फेसबुक आईडी की हूबहू किसी ने दूसरी आईडी बनाकर आम जन से रुपए मांगने की शिकायत पर आज कार्रवाई करते हुए एक साथी अपराधी को दस्तयाब किया गया। अपराधी मेवात गैंग का सरगना है। यह गैंग फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए फेसबुक फ्रेंड को मैसेजर के माध्यम से अपने आप को अस्पताल में भर्ती होना बताकर किसी जरूरी कार्य होने का बहाना बनाकर रुपए की मांग करते हैं। इस गैंग द्वारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आसाम, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र से फर्जी आईडी में सिम खरीद कर लोगों को विश्वास में लेते हैं। साइबर सेल जोधपुर ग्रामीण एवं थानाधिकारी पुलिस थाना शेरगढ़ देवेंद्र सिंह द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। डीएसटी टीम के अमानाराम, देवाराम, झुमराराम व मोहनाराम द्वारा 4 दिन तक विभिन्न स्थानों पर तलाश की जाकर मुलजिम कासिम पुत्र आसिन निवासी मकान नंबर 56 वार्ड नंबर 3 गांव नांदेड़ा सतवास तहसील व थाना कामा जिला भरतपुर को दिल्ली से दस्तयाब कर पुलिस थाना शेरगढ़ लेकर आए। गैंग के मुलजिमों द्वारा देश भर में सैकड़ों धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दिया गया है, जिसके बारे में पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।